जय माता दी। आप सभी जानते हैं चैत्र में नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। 9 अप्रैल चैत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं माता के नवरात्र। सबसे पहले दिन हमें माता की किस तरह पूजा करनी चाहिए और इन 9 दिनों में हमें माता को किस प्रकार के भोग, हर रोज का कौन सा भोग देना चाहिए, जानेंगे वीडियो में। कहते हैं हर रोज माता का अलग दिन अलग भोग होता है। 9 दिनों के नवरात्रों में माता को 9 भोग अर्पित किए जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ आपसे अति प्रसन्न हो जाती है। और आसान और सरल तरीका है माँ को प्रसन्न करने का। तो आपको 9 अप्रैल चैत का त्योहार शुरू हो रहा है। इन 9 दिनों में से बताया जाता है कि त्योहार 9 स्वरूपों की माता की पूजा अर्चना की जाती है और बहुत ही विधि विधान से की जाती है। बताते हैं कि किस इस तरह से 9 दिनों में माता के पूजा पाठ का विधान है, उसी जगह से इन 9 दिन में माता का भोग लगाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही हैं। कहते हैं हमेशा मंगल और शनिवार के दिन माता रानी धरती पर घोड़े पर आती हैं। कहते हैं ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन जब भी शेरों की सवारी है, माता की शेर पर सवार होकर आती हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार जब भी दिनों के हिसाब से माता रानी धरती पर आती हैं, अपने 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कराती हैं, इस दौरान अगर देवी को उनका पसंदीदा भोग लगा हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। भक्तों की मनोकामना भी शीघ्र पूरी होती है। और ये भी माना जाता है कि अगर आप देवियों के दिन रुचि के उनके अनुसार दिनों के अनुसार भोग लगाए तो माता इनसे देवी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी और भक्तों को 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके सारे ही भक्तों को सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। माता रानी के भक्तों पर कोई विपदा नहीं आती है। माता रानी को इन 9 दिनों में क्या क्या भोग लगाया जाता है जानेंगे, लेकिन आपको मैं पहले दिन की पूजा का प्रारंभ बता देती हूँ किस प्रकार करनी है। वीडियो को स्क्रिप मत करना। चैनल पर पहली बार आए तो झलक दानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आगे की ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आप सभी जानते हैं कि माता रानी को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ महिलाएं बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में ये त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इसमें विधि विधान विविध पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना होती है और माता रानी की चौकी जमाकर पूजा अर्चना की जाती है। मैं थोड़ा आपको डीपली तो नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने, आप वहां से देख लेना। मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार करनी है। सबसे पहले आपको माता की चौकी लगानी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर आपको माता की छवि अर्पित करनी है और वहां पर आपको एक कलश के लिए आप स्थापना करेंगे तो आपको एक लोटा लेना, उसमें जल भर के आपको थोड़ा सा गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के आपको पान के जो जैसे आम के पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, वो पत्ते आपको उसकी डाली उस पर लगाकर एक नारियल उस पर आपको सतिया बनाकर रख देना है। वो आपकी कलश स्थापना। कलश स्थापना का मुहूर्त 6:07 तक है। अगर आप इस समय अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:30 तक का है तो आप तब भी कर सकते हैं कलश स्थापना। फिर आपको पूजा अर्चना करनी है, माँ शैलपुत्री का अध्याय करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। बिना आरती के पूजा संपन्न नहीं होती है। इस दिन माँ शैलपुत्री की कथा कर सकते हैं और करने के बाद विधिवत आपको मंदिर आप शिवालय भी जा सकते हैं। अगर नहीं हो सकता आप घर पर भी माता की सरल पूजा करके आप मत्था टेक के आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन आपको पहले दिन किस चीज का भोग लगाना है ये बहुत बड़ा महत्व रखता है आपके जीवन में, आपके घर पर, आपकी भावनाओं पर, आपके अंदर जो आप भक्ति माँ के प्रति करना चाहते हैं, अपने घर से दुख दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, आप सारे कष्टों का निवारण चाहते हैं, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको भोग लगाएंगे। पहले दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है और इस दिन पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप गाय के घी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती है। आप पहले दिन अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अगर जो लोग नहीं करना चाहते सरल पूजा, कोई ऑफिस जाता है, कोई कहीं पर जॉब करती है, नहीं समय है, तो आप 1 किलो घी आप या 1/4 किलो घी आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। मंदिर में ज्योत जलती है, वहां पंडित जी को गाय का शुद्ध देसी घी आप अपने हाथों से दान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुण्य नहीं प्राप्त होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये घी दान करके माता रानी की ज्योत जो आप दान कर रहे हैं इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी।
दूसरे दिन माँ को ब्रह्मचारिणी का दिन होता है, दूसरे दिन जो होती है ब्रह्मचारिणी माता होती है और उनको पंचामृत का भोग बनाकर लगाना चाहिए, ये माता अब अति प्रसन्न हो जाती है। और तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा माँ का दिन होता है और इस दिन दूध से बनी मिठाई बना का भोग बनाकर आप माता को अर्पित करते हैं तो माँ चंद्र घंटा आप पर अति प्रसन्न हो जाती है। चौथे दिन माँ का दिन होता है कोसमांडू माँ, ये कोसमांडू माता को अगर आप माल पुए का भोग लगाते हैं तो माँ आप पर अति प्रसन्न हो जाती हैं और आपको कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, आपको कोई दुख बीमारी और कष्टों से दूर रखती हैं। पांचवा जो दिन होता है वो स्कंद माता का होता है और स्कंद माता को पांचवे दिन आप चीनी केले का भोग लगाना चाहिए, अगर आप इस दिन चीनी और केले का भोग लगाते हैं तो ये स्कंद माता को अति प्रिय है, इससे माँ स्कंद माता अति प्रसन्न हो जाती है। छठे नवरात्र में छठे दिन जो दिन है माँ कात्यायनी को है, ये छठे दिन माँ कात्यायनी का होता है और आप इस दिन मीठे पान का भोग लगाना चाहिए, आप मीठे पान का बेड़ा दे सकते हैं माता को तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, माँ अति प्रसन्न हो जाएंगी। माँ कात्यायनी माता को मीठा पान का भोग लगाते हैं और आपको मैं आपसे कहूंगी कि आपको भी लगाना चाहिए। सातवें नवरात्र यानी सातवें दिन माँ काली रात्रि का होता है और ये काली रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, सातवें दिन कथा भी आप पढ़ते होंगे, लेकिन सातवें दिन काली रात्रि माता को गुड़ से बनी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे गुड़ से कैसे बना सकते हैं मिठाई, बहुत सारी चीजें आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो जो गुड़ है उसकी आप मिठाई बनाकर लगाइए, बहुत ही अच्छी बनती है और माँ अति प्रसन्न हो जाती है। अगर हो सके तो इन चीजों में आप थोड़ा थोड़ा गाय का घी अवश्य यूज करें और इन 9 दिनों में तो आपकी जो जोत जल रही है या आप घर पर जो सुबह शाम का दिया लगाते हैं वो माता को देसी घी जो होता है वो गाय का हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। आठवें दिन नवरात्र में आठवें दिन माँ का महागौरी का होता है और महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, इस दिन नारियल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, अगर आप आठवें दिन माता को नारियल का भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती है। नवी माता जो होती है 9 स्वरूप होता है तो नवे दिन माँ सिद्ध दाती को खीर पूरी हलवे का भोग लगाया जाता है। आप लोग सोचते होंगे कुछ लोगों के यहाँ पर कन्या पूजन किया जाता है, उस दिन महागौरी के कन्या पूजन में सब लोग चने हलवा पूरी का भोग लगाकर बनाते हैं, जी बिल्कुल, और ये बहुत ही माँ को प्रसन्न करने के लिए बनाया जाता है और भोग भी लगाया जाता है। कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें बनाने लगे हैं कि ये बच्चों को ये खिलाना चाहिए, बच्चों को ये पसंद नहीं, लेकिन माँ का जो पसंदीदा भोग है वो खीर पूरी ही है और इस दिन हलवा खीर पूरी बनाई जाती है क्योंकि माँ को बहुत ही प्रिय है। और हम जो भी कन्याओं का पूजन करते हैं वो माता के 9 स्वरूपों को देखकर करते हैं, उनको बैठाते हैं 9 स्वरूपों को, तो इसलिए आपको भी ये करना चाहिए। अगर माता रानी का आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं आप तो माँ को प्रसन्न करें इन नवरात्रों में, अगर माँ की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं आप भोग के साथ करते हैं तो माँ आप पर प्रसन्न हो जाएंगी, अति फलदायिनी होंगी और इस नवरात्र आपका जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर आप श्रद्धा भाव से माता रानी के भक्त हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माँ से प्रे करिए और आशा है, उम्मीद है कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत आपके लिए लेकर आती हूँ। जय माता दी।